ये रही मेरी मॉर्निंग ड्रिंक और ये है हनी एंड वार्म वाटर। सो ये फाइनली ठंडा हो चुका है, देखिए इसका कलर। सो मैं इसे फिनिश करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से अपने नाश्ते के टाइम पे मिलती हूँ। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। आज के ब्रेकफास्ट में है ब्रेड और मैं इसे जैम के साथ खाने वाली हूँ, और इसके साथ मैं एक और ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ यानी कि मैगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइस देखिए ये रहा मेरा मैगी बनके रेडी हो चुका है, और मैगी के साथ मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, डार्क कॉफ़ी। और ये मेरी वाली भाई की प्लेट, और उसके साथ में है बड़ा गरम गरम। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:20 और आज मैं बहुत जल्दी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मैं 10-11 बजे स्टार्ट करती हूँ, बट आज मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। वेदर कुछ इस तरीके का है, धूप निकल चुकी है, मम्मी ने कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं और मस्त हवा चल रही है, चिड़ियों की आवाज़ें भी आ रही है। सो मैंने सोचा वेदर भी आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए क्या मस्त व्यू है, देखिए यहाँ का नज़ारा और आसमान ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, सूरज भी निकल चुका है, और मेरा सबसे फेवरेट है ब्लू आसमान, देखो आप लोगों के सामने है, और हरे हरे पेड़ जिस पे हरी हरी पत्ती आ चुकी है, जो कि गर्मी की वजह से पूरी झड़ चुकी थी और बारिश की वजह से फिर से उग चुकी है। यहाँ पे मैंने राइस को गैस पे चढ़ा दिया है और मैं अभी बना रही हूँ राइस। अभी ये बना नहीं है, जब बन के रेडी हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आज का न्यूज़पेपर, और अभी मैं पढ़ रही हूँ न्यूज़पेपर, और आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या न्यूज़ दिया है थोड़ा पढ़ते हैं। सो गाइस ये रही मेरी कॉफ़ी, गर्मा गर्म कॉफ़ी, और मैंने अभी जस्ट इसे बनाया है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, सो हम इसे ठंडा होने देते हैं। मेरी हो चुकी है तैयारी नहाने जाने की, मैं अभी फेस पैक लगा के बैठी हूँ, जब ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं नहाने जाऊँगी, और मैंने अपने कपड़ों को भी कर लिया है प्रेस। सो ये रहा मेरा आज का आउटफिट, ये है पिंक कलर का कुर्ता एंड ब्लैक कलर का लेगिंग्स, सो मैंने इसे कर दिया है प्रेस, और अब मैं जाने वाली हूँ नहाने के लिए, फिर मैं आऊँगी रेडी वेडी होके आप लोगों के सामने। वैसे सामने तो मैं आज आ ही चुकी हूँ, बस रेडी होके आना है, ठीक है। सो चलिए फटाफट इसे ड्राई होने देते हैं, और फिर उसके बाद मैं नहा के रेडी वेडी होके आती हूँ। सो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, सो फाइनली मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ नहा के रेडी होके, और ये रहा मेरा आज का आउटफिट, ये कुर्ता एंड लेगिंग्स है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को जब मैं नहाने जाने वाली थी, नहाने से पहले मैंने प्रेस किया था, सो मैंने ऐसे उठा के आप लोगों को दिखा दिया था। सो यही वाला ड्रेस मैंने आज पहना है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा आज का लुक। सो पता नहीं लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा लुक। सो चलिए लंच बन के रेडी हो चुका है, सो मैं आप लोगों को लंच वगैरह दिखा देती हूँ, और व्लॉग जल्दी से आज एंड नहीं करूँगी, बिकॉज कल से मेरा मन था चाट खाने का, मीठा चाट खाने का। सो मम्मी ने भाई को मार्केट भेजा है, और भाई लाने वाला है मेरे लिए चाट। सो मैंने सोचा कि चलो यार आज एंड कुछ अच्छा चीज़ दिखा के करूँगी मैं, यानी कि अभी वो मार्केट से आया नहीं है, जब वो मार्केट से आ जाएगा तभी मैं व्लॉग को एंड करूँगी चाट दिखा के, ठीक है। सो आज के लंच में मैं चाट खाने वाली हूँ, और घर पे जो लंच बना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को पसंद आया हो आएगा आज का लंच। सो आज के लंच में मम्मी ने क्या बनाया है बताती हूँ, सीधा दिखाती हूँ। ये रहा हमारा राइस, यानी कि मेरा राइस, फैमिली का राइस, और ये रही चना दाल की सब्ज़ी, और एक सब्ज़ी मम्मी ने बनाई है, हम वो भी आपको दिखा देते हैं। ये रही कुंदरू की सब्ज़ी, जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि कुंदरू की सब्ज़ी मेरे पापा की सबसे फेवरेट सब्ज़ी है।
फाइनली आप लोगों ने आज का लंच तो देख ही लिया है एंड आई होप आप लोगों को लंच पसंद आया होगा। और आज मैंने काफ़ी जल्दी व्लॉग स्टार्ट किया था, यानी कि आज मैं सुबह 8:30 बजे आई थिंक व्लॉग स्टार्ट कर डाली थी। सो एंड अपने आप को मैंने नहीं दिखाया था बिकॉज जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं व्लॉग के सामने नहा के रेडी होके आना पसंद करती हूँ, बट नहाने से पहले मैं व्लॉग में आ गई थी एंड फिर उसके बाद फाइनली अभी आई हूँ। एंड इस व्लॉग को मैं एंड करूँगी जब मेरा भाई आ जाएगा मेरे लिए चाट लेके, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है। सो आप लोग कहीं मत जाइए, प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में, ठीक है। तब तक मैं भी कुछ इन्जॉय कर लेती हूँ, अपना कुछ यूट्यूब में देख लेती हूँ, क्योंकि क्या कहे, या तो टीवी देखूँगी या तो यूट्यूब में कुछ देखूँगी। सो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में एंड आई होप आप लोगों को व्लॉग मेरा पसंद आ रहा है। सो प्लीज़ गाइज, आप लोग व्लॉग देखते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड मैं आप ही लोगों के लिए रोज़ व्लॉग बना रही हूँ, मुझे पता है मैं उतना अच्छा व्लॉग आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, बट जैसा भी दे रही हूँ प्लीज़ उसे इन्जॉय करो। और मेरा ये भी था कि मैंने फेसबुक पेज बनाया है अपना, उसमें बहुत सारे लोग हैं और मुझे वो फॉलो भी कर रहे हैं, अगर मैं उनके लिए व्लॉग नहीं बनाऊँगी तो ये उनके लिए बहुत बेकार वाली बात हो जाएगी कि हमने इसे फॉलो तो किया है बट इसका वीडियोज़ तो आता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा फॉलो करके। इसलिए मैं उनके लिए भी बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि उन्हें भी वीडियोज़ देखने का मौका मिले। और जैसे अगर मेरा बाहर बाहर जाना हुआ तो मैं ज़रूर बाहर के भी व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाऊँगी। सो गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, ठीक है, दिल से बोल रही हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर अच्छा लगता है तो ही सपोर्ट करो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। सो चलिए हम थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे, जब मेरा भाई जब आ जाएगा तब उसके बाद हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी एंड करेंगे, स्टार्ट तो मैंने कर ही दिया है एंड बस एंड करना बाकी है चाट के साथ। फाइनली मेरा चाट आ चुका है। सो मैं चाट के साथ आप लोगों को और भी कुछ सामान दिखाना चाहती हूँ जो मार्केट से आया गया है, यानी कि मम्मी ने एग ट्रे भी मंगवाया था, एग भी मंगवाया था, सो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, सो फाइनली वो आ गया है। सो चलो दिखाते हैं हम आपको कि क्या क्या सामान भी मार्केट से लाया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को एग ट्रे दिखाते हैं, वो इतना प्यारा इतना क्यूट सा कलर का है, यानी कि पिंक कलर का है, दिखाती हूँ। सो ये देखिए गाइस एग ट्रे, ये तो वैसे सबके पास होता होगा बट मैंने सोचा कि यार आज यूनिक सा दिखा ही देते हैं, क्यों ना इसे आप लोगों से छुपाया जाए, जब है तो चलो दिखा देते हैं। सो ये देखिए एग ट्रे पिंक कलर का, मैंने लाइट पिंक कलर का ड्रेस भी पहना हुआ है और खाने का भी कुछ सामान लेके आया है भाई, सो मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसने लेस लेके आया है, पता नहीं शायद वो अपने लिए लाया होगा, और एक केक भी है, और ये रहा हमारा केक, ब्रिटानिया केक है, केक। सो केक तो मैं खाऊंगी नहीं, जैसे कि आप लोग जानते हो क्यों नहीं खाऊँगी। और अब बारी आती है चाट की, सो चलिए फटाफट चाट को मैं खाली करती हूँ और आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। और आज भाई ने बोला है कि एक्स्ट्रा वो मीठी चटनी लेके आया है, जैसे कि हम हमेशा बार बार वहाँ से बोलते हैं कि हमें एक्स्ट्रा दो एक्स्ट्रा दो, यानी कि अच्छे से, तो एक्स्ट्रा तो बहुत दूर की बात है, वो तो मीठा चटनी डालना ही भूल जाते हैं और हमेशा मुझे टमाटो सॉस डाल के खाना पड़ता है चाट में। सो मुझे चाट मीठा खाना बहुत पसंद है इसलिए मैं मीठी चटनी डाल के खाती हूँ, आप लोग कैसा खाते हो मुझे बताना कमेंट में। सो चलिए चाट की ओपनिंग करते हैं, ठीक है। देखिए न्यू एग ट्रे में मैंने एग को सजा दिया है, इस तरीके का है देखिए, और ये बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। ये आप लोग देखिए मेरा चाट ये रहा, और एक्स्ट्रा मेरी मीठी चटनी भी आ चुकी है और एक्स्ट्रा पपड़ी भी आ चुका है, ये रहा। सो आज के लंच में मैं यही खाने वाली हूँ एंड ये इसका लुक देखिए कितना प्यारा यमी यमी लग रहा है। फाइनली आप लोगों को आज का ब्लॉग देख के मज़ा आएगा क्योंकि आज मैंने कुछ न्यू भी दिखाया है। सो आज के लंच में मैं चाट खाने वाली हूँ और बहुत मज़ा आएगा। सो फाइनली आज का ब्लॉग अच्छा रहा मेरे लिए एंड आई होप आप लोगों के लिए भी अच्छा रहे, आप लोगों को भी देख के मज़ा आए। एंड फाइनली वो टाइम आ चुका है यानी कि व्लॉग एंड करने का एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बने रहिए मेरे साथ और हमेशा मेरे व्लॉग्स को अपना प्यार दीजिएगा अगर अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, कल मिलेंगे एक नए दिन में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिएगा, बाय बाय।